हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने हाइड्रोजन चैप्टर देखा था, उसके अंदर रिएक्शन के बारे में कहीं वहाँ से लेक्चर हमारा कट हो चुका था टेक्निकल इश्यू के चलते। आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो सी, यहाँ पे जो है, यहाँ पे रिएक्शन विथ हैलोजन, हैलोजन के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है तब ये क्या बना रहा है, तब ये बन रहा है, ये बना रहा है एसिड। ये क्या बना रहा है? एसिड हैलोजन। अगर एस सील के Cl2 के साथ करेगा तो HCl बनाएगा, Br2 के साथ करेगा तो ब्रोमीन बनाएगा, फ्लोरिन के साथ करेगा तो HF बनाएगा, राइट। नेक्स्ट है रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन की रिएक्शन आपको पता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स। और ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो इट्स कॉल हाइड्रोजन। ये जो एंथैल्पी है, क्या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्शन एंथैल्पी, जो कि वाटर फॉर्मेशन की सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है रिएक्शन में डाइनाइट्रोजन। ये जो प्रोसेस दिख रही है आप लोगों को, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के साथ मिलकर बनाएंगे अमोनिया, राइट। ये था हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में क्या होता है, डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन मिलकर बनाती है अमोनिया गैस बनाती है। इसकी भी एंथैल्पी कितनी है? -92.6 किलो जूल पर मोल, जो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट है रिएक्शन विद द मेटल्स। देखो भाई, मेटल के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्शन करता है तो बनाता है मेटल हाइड्राइड बनाता है। मेटल के साथ रिएक्शन करता तो बनाता है मेटल हाइड्राइड। जैसे कि अगर हम लोग देखें सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं हमको हाइड्रोजन की, तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे 2NaH। दिस इज द सोडियम हाइड्राइड, क्लियर है। रिएक्शन किसी उसके बारे में ज़्यादा देखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ये जब सोडियम यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव फॉर्म में होगा, मतलब नॉर्मल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये क्या होगा? डेल्टा नेगेटिव। ये एक तरह का आयनिक हाइड्राइड होता है, तो इसमें आयनिक हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड और मेटालिक हाइड्राइड भी है, जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। फिर रिएक्शन होती है रिएक्शन विथ मेटल आयन एंड मेटल ऑक्साइड्स। मेटल आयन एंड मेटल ऑक्साइड, मेटल आयन एंड मेटल ऑक्साइड में जैसे देखो यहाँ पे पैलेडियम दे रखा है, पैलेडियम एंड दिस इज द मेटल ऑक्साइड। अभी हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। हम पैलेडियम को क्या करते हैं? PdCl2, यानी पीडियम क्या है? पीडी क्या है? +2 है, ध्यान बनेगा पीडी सॉलिड, ये बन जाएगा H2, रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन सकता है? ये Cl2 बन जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? PdCl2, PD प्लस P2 किस फॉर्म में? PD है +2 फॉर्म में, और ये बन जाएगा PD सॉलिड प्लस ये जो Cl2, इसके Cl2 कहाँ चले जाएंगे? हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाएंगे HCl। ध्यान है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ देखो हाइड्रोजन मेटल ऑक्साइड के साथ मिक्स करके बनाएगा। ये MXO2 वगैरह दे रखा है हम लोग, इसको दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। NO2, ओके, हम लोग ये वाला एग्जांपल लेते हैं, मेटल ऑक्साइड Na2O, ये रिएक्शन करेगा, यहाँ पे बनेगा H2O प्लस सोडियम, ठीक है। यहाँ पे सोडियम से हम लोग कोई भी मेटल ले सकते हैं, राइट। तो ये होगा मेटल ऑक्साइड के साथ क्या बनेगा? हाइड्रोजन वाटर बनाएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब भी रिएक्शन होती है तब हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोकार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है, जो हम लोग लास्ट टाइम देख चुके थे। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजिनेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजिनेशन होता है जब कोई वनस्पति ऑयल होता है, वनस्पति ऑयल से घी बनाने के लिए हाइड्रोजनेशन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिसिस। निकल कैटालिस के प्रेजेंस में क्या किया जाता है? जो ऑयल होता है उसको किसमें हाइड्रोजनेशन करके किसमें कन्वर्ट किया जाता है? घी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफॉर्मुलेशन। हाइड्रोफॉर्मुलेशन में
हाइड्रोफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे देखो CH2 CH3, ठीक है, दिस इज द प्रोपीन। यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन के ड्यूरिंग दिस रिएक्शन वी यूज द हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का यूज करके ये हमको बनाते हैं, हम लोग इसको बनाते हैं एल्डिहाइड। इसको कहते हैं हाइड्रो फॉर्मेशन, ठीक है। और इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। कि भाई डाइहाइड्रोजन के यूजेस क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट इज सिंथेसिस अमोनिया। सबसे ज्यादा अगर हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है तो अमोनिया सिंथेसिस के लिए होता है। अमोनिया सिंथेसिस के लिए हेबर प्रोसेस जो है हम लोग देखा है, अमोनिया सिंथेसिस के लिए हाइड्रोजन का यूज होता है। और जितने भी कुछ फर्टिलाइजर होते हैं जो नाइट्रोजन पे डिपेंड होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे डिपेंड होते हैं, उनके सिंथेसिस के लिए भी क्या होता है, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा यूज होता है। ध्यान उसका सेकंड पॉइंट है, डाइहाइड्रोजन यूज होता है, जैसे होते हैं ना कुछ वेजिटेबल ऑयल्स को घी में कन्वर्ट करना है हमको, जो ऑयल होता है, इट्स ऑयल इज दैट मींस लिक्विड फॉर्म, उसको हम लोग थोड़ा सा क्या करना है, पेस्ट फॉर्म बनाना है, घी फॉर्म बनाना है, तो उस टाइम भी क्या होता है, हाइड्रोजन यूज होता है, हाइड्रोजनेशन। जैसे यहाँ पे दे रखा है वेजिटेबल, सोयाबीन, कॉटन सीड के जो ऑयल होते हैं उसको किस में कन्वर्ट करना है, घी में कन्वर्ट करना है, दैट इज वाई एट दैट पॉइंट हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन यूज होता है। सेकंड है, थर्ड है, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क ऑर्गेनिक केमिकल्स। जैसे मिथेनॉल जैसा कंपाउंड है, मिथेनॉल जैसे कंपाउंड्स बनाने के लिए भी क्या होता है, डाइहाइड्रोजन यूज होता है। जिससे क्या बनता है, जो कैसे बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से मिथेनॉल बनता है। तो सिर्फ मिथेनॉल नहीं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसको बनाने में डाइहाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। इट्स वाइडली यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड की हम लोग बात कर चुके हैं, मेटल हाइड्राइड मीन्स MH, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल कोई भी आ सकते हैं, यहाँ पे अल्कली मेटल्स भी आ सकते हैं, बाद में यहाँ पे आते हैं लेंथेनाइड मेटल यानी F ब्लॉक एलिमेंट, बात आ फिर D ब्लॉक एलिमेंट भी आ सकते हैं, यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो मेटल हाइड्राइड, सब मेटल हाइड्राइड की अपने अपनी अलग प्रॉपर्टीज है। ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक से बने हुए मेटल हाइड्राइड होती है और डी ब्लॉक से बने मेटल हाइड्राइड होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज होती है कि एज अ कैटालिस्ट यूज होते हैं जनरली। और जो मेटल हाइड्राइड होते हैं अल्कली वाले, और किसी भी एज अ बेस वगैरह, फिर किसी भी रिएक्शन को, जैसे होता है ना मेटल हाइड्राइड, जैसे होता है लिथियम हाइड्राइड, तो लिथियम हाइड्राइड से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाया जाता है, तो रिएजेंट बनाने भी यूज होता है, ठीक है। इसके बाद और, इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ वेरी यूजफुल केमिकल, वो बनाने, उसको बनाने के लिए भी डाइहाइड्रोजन का यूज होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इसके इन मेटलर्जिकल प्रोसेस इट इज यूज रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल। देखो हैवी जब मेटल ऑक्साइड होते हैं, जैसे मैंने कहा था M2, या फिर हम लोग इसको इस तरह से दे देते हैं ना, ये कोई भी मेटल ऑक्साइड M2O3 पकड़ लो या फिर M2O4 जो भी है, ये मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ किए थे, हम लोग जस्ट देखी थी क्या बनता है, हाइड्रोजन क्या करता है, इस मेटल ऑक्साइड का ऑक्सीजन ले लेता है और मेटल क्या करता है, फ्री करता है। तो कोई ऐसे मेटल ऑक्साइड होते जिसमें से हमको मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, और हम लोग को क्या चाहिए, सिर्फ मेटल फॉर्म चाहिए, ऑक्साइड फॉर्म नहीं। तो जो मेटल के अंदर जो ऑक्साइड जुड़ा है, वो ऑक्सीजन को कौन लेके भागता है, हाइड्रोजन। दैट इज वाई मेटल ऑक्साइड्स में, मेटलर्जी में, मेटल ऑक्साइड से प्योर मेटल बनाने के लिए भी क्या करता है, हाइड्रोजन यूज होता है। फिर क्या, एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्साइड हाइड्रोजन, बहुत से क्या वेल्डिंग में क्या होता है, एक एटॉमिक टॉर्च कहा जाता है, एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्साइड हाइड्रोजन टॉर्च। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन होती है डाइहाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, डाइहाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, क्या बन जाता है, H प्लस मत समझो, ये बन जाएगा एटॉमिक फॉर्म H, ठीक है। जब एटॉमिक फॉर्म बनता है, क्या ये कब डिसोसिएट होता है, ये डिसोसिएट होता है इलेक्ट्रिक आर्क से। देखो क्या समझो आप, एक टॉर्च है, टॉर्च के अंदर डाइहाइड्रोजन गैस है,
हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रिक आर्क के प्रेजेंट में, जो टॉर्च के अंदर इलेक्ट्रिक आर्क है उसके प्रेजेंस में क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएंगे। तो ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2, ये एटम फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। और जब एटॉमिक फॉर्म में ब्रेक हो के जिस पार्ट पे वेल्डिंग करनी होती है, स्पेशली जिस पार्ट पे वेल्डिंग करनी है, उस पार्ट पे क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, आपस में आके फिर से क्या बना देंगे, H2 मॉलिक्यूल बना देंगे। और जब H2 मॉलिक्यूल बनेगा तो काफ़ी एनर्जी भी रिलीज होगी, यानी हीट रिलीज होगी। क्या चीज़ क्या हो जाएगी, वहाँ पे जॉइंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीहाइड्रोजन टॉर्च में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट इट इज़ यूज रॉकेट फ्यूल। सिंपल सी बात है, रॉकेट लॉन्च करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और हाइड्रोजन से अच्छी एनर्जी कौन दे सकता है। हाइड्रोजन रिएक्शन करता है रॉकेट फ्यूल में, हाइड्रोजन यूज करता है, रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है H2O। देखो रॉकेट फ्यूल में यूज होता है हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन भाई, लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है। ये भी कैसा होता है, लिक्विड। तो इसके लिए नहीं क्या, क्रायोजेनिक चैम्बर होता है, क्रायोजेनिक चैम्बर में इसको रखा जाता है जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। अदरवाइज ये होते हैं किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में होते हैं। उस क्रायोजेनिक चैम्बर में होते हैं अलग अलग चैम्बर में, यहाँ पे O2 यहाँ पे H2 दोनों को कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर क्वांटिटी में मिक्स किया जाता है, और यहाँ पे दोनों मिक्स होके दोनों यहाँ पे मिक्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ से बन जाएगी एनर्जी, यानी रॉकेट जाएगा ऊपर और थोड़ा बहुत वाटर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से रॉकेट फ्यूल में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइहाइड्रोजन इज यूज इन द फ्यूल सेल। हाँ, आजकल जो लेटेस्ट जो जापानीज टेक्नोलॉजी है, जापानीज टेक्नोलॉजी में वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार बनी हुई है जो डिपेंड जो चल रही है हाइड्रोजन सेल पे। मतलब हाइड्रोजन से बने सेल है जो हम लोग चार्ज कर सकते हैं, जैसे हमारी लिथियम आयन बैटरी होती है उसी तरह से हाइड्रोजन सेल होती है। हाइड्रोजन सेल को चार्ज करो और अपनी जो व्हीकल है, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसको क्या करो, रन करो। तो जापान में एक्चुअली हाइड्रोजन सेल बेस मोटर व्हीकल बने हुए हैं, तो वहाँ पर भी हाइड्रोजन का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट होता है हाइड्राइड्स। देखो हाइड्राइड्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है, इट्स नॉन एज अ हाइड्राइड। भी यही नहीं कि मतलब जैसे सोडियम के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम हाइड्राइड, अदर एलिमेंट के साथ भी, जैसे पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट उनके साथ भी, जैसे H2O इज ऑल्सो इट्स काइंड ऑफ हाइड्राइड। किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, हम लोग क्या बोलेंगे उसको, कंपाइनली हाइड्राइड ही कहेंगे। तो हाइड्राइड के तीन पार्ट्स हैं, एक तो होता आयनिक हाइड्राइड, एक होता है कोवलेंट और कोवलेंट हाइड्राइड, या फिर कोवलेंट मॉलिकुलर हाइड्राइड, फिर एक थर्ड होता है मेटालिक हाइड्राइड। मेटालिक हाइड्राइड ब्रीफली देखेंगे हम लोग सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आएगा आयनिक हाइड्राइड। जब भी आयनिक हाइड्राइड उसमें क्या होता है, कोई भी एलिमेंट कंसीडर करो जिस जो क्या होगा पॉजिटिव, हाइड्रोजन क्या होगा नेगेटिव, और ये बनेगा M+, ये बनेगा H-। इस तरह का जो फॉर्म है, दिस इज द आयनिक हाइड्राइड, दिस काइंड ऑफ हाइड्राइड इज आयनिक हाइड्राइड, ठीक है। और इसमें देखो कुछ हाइड्राइड ऐसे भी है जो क्या होते हैं सिग्निफिकेंटली कोवलेंट होते हैं, जैसे LiH। ये जो हाइड्राइड है मेटल हाइड्राइड, ये आयनिक नहीं है। बट अगर हम लोग बात करें सोडियम हाइड्राइड, दिस इज़ अ मेटालिक, दिस इज़ मतलब ये मेटालिक ही है, आयनिक ही है, बट इसमें कोवलेंट नेचर ज़्यादा है, यहाँ पे कोवलेंट नेचर ज़्यादा है इसके कंपनी, यहाँ पे आयनिक नेचर ज़्यादा। तो दिस काइंड ऑफ हाइड्राइड इज़ अ आयनिक हाइड्राइड। और भी कुछ हाइड्राइड जैसे मैग्नीशियम H2, इसमें क्या सिग्निफिकेंट कोवलेंट कैरेक्टर होता है, पूरी तरह से आयनिक नहीं होते हैं। एक है बेरियम H2, बेरियम हाइड्राइड, दिस इज ऑल्सो इट हैज़ अ लिटल बिट कोवलेंट कैरेक्टर। अब बात करते हैं कि ये जो हाइड्राइड है, इस हाइड्राइड का अगर हम लोग मेल्ट करते हैं, कोई मेटल हाइड्राइड कैसा है मेल्ट फॉर्म में, इस तरह से कोई मेटल हाइड्राइड किस फॉर्म में, मेल्ट फॉर्म में है, और इसका हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो यहाँ पे बनती है H2 गैस बन जाती है। ये कहाँ पे कलेक्ट होगी, ये कलेक्ट होगी एनोड पे कलेक्ट होगी। क्यों एनोड पे कलेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे M+ फॉर्म में होगा और H क्या होगा माइनस फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बन जाएगा और ये बन जाएगा M+2, और ये हो जाएगा दो इलेक्ट्रॉन रिलीज, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन होती है
मेल्ट हाइड्राइड के, मेल्ट आयनिक हाइड्राइड के, मेल्ट आयनिक हाइड्राइड को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, मेटल आयन बनेगा, इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, जो कौन एब्जॉर्ब करेगा, एनोड, ठीक है। देखो जनरली हाइड्राइड जो होते हैं क्या होते हैं, ऑक्सीजन और CO2 के साथ रिएक्शन करते हैं, बट लिथियम हाइड्राइड ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करता, दैट इज व्हाई यूज होता है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाने में। जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम, लिथियम हाइड्राइड अगर आप यूज करेंगे Al2 क्लोराइड के साथ तो ये क्या बनाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग रिएजेंट है, बहुत ही फेमस। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही फेमस रिड्यूसिव रिएजेंट है, ठीक है। बाद में लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन B2H6 के साथ करोगे, ये भी क्या बनेगा, PH4, लिथियम BH4। तो लिथियम एक ऐसा हाइड्राइड है जो क्या करता है, ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन ज़्यादा नहीं शो करता, दैट इज वाई दिस इज यूज इन द दिस काइंड ऑफ रिड्यूसिव एजेंट बनाने के लिए इसका क्या होता है, यूज होता है। नेक्स्ट है कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, ठीक है। तो कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड की बात करें तो कोवलेंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है मिथेन, अमोनिया, H2, ये जो हाइड्राइड है दिस हाइड्राइड नॉन एज अ कोवलेंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, और HF भी कंसिडर कर सकते हैं इसके अंदर। ये सारे हाइड्राइड कैसे है, कोवलेंट हाइड्राइड। कोवलेंट हाइड्राइड कौन बनाता है, जनरली इन द पीरियोडिक टेबल में जो फिफ्थ नंबर का जो ग्रुप है, जो ऑक्सीजन वाला ग्रुप है वो बना रहा है, और कौन बना रहा है, कार्बन वाला ग्रुप है वो बना रहा है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 14, 15 एंड 16 एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन जुड़ के बनाता है, जो हाइड्रेट बनाता है इट हैज़ अ कोवलेंट हाइड्राइड, इट हैज़ अ नेचर ऑफ कोवलेंट, तो इट्स नॉन एज अ कोवलेंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। अब कोवलेंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स में भी तीन पार्ट्स है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड दैट मीन्स ऐसे हाइड्राइड जिनको क्या है इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिनको क्या है इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हमें सिंपली समझे जिनका जो लिविस स्ट्रक्चर है उनके लिविस स्ट्रक्चर में परफेक्ट लिविस स्ट्रक्चर नहीं, मतलब होता है ना किसी लिविस डॉट स्ट्रक्चर में डॉट कर ड्रॉ करते तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, 8 ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जिस कंपाउंड जिस हाइड्राइड में इस तरह का 8 ऑक्टेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, लिविस डॉट स्ट्रक्चर सेटिस्फाई नहीं कर पाते, और लिविस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से, लिविस डॉट के हिसाब से 8 से कम इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो दिस काइंड ऑफ हाइड्राइड इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड में आता है B2H6 आता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड में। कैसे आएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड में, ये यहाँ पे देखो इस तरह से यहाँ पे आपको कंसीडर करना है, यहाँ पे सपोज 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो यहाँ पे सिर्फ सिंगल। अगर हम इसको काउंट करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं बोरोन के सराउंड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिर्फ सेवन ही हो रहे क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे एक बनाना बॉन्डिंग बनती है जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं। तो बारह बॉन्डिंग चलते यहाँ पे जो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे इस बॉन्डिंग में क्या होता है सपोज किया जाता है एक ही इलेक्ट्रॉन है, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं 3 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड कंसेप्ट बोलते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे बचा एक ही इलेक्ट्रॉन, तो ऑल ओवर जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हो कितने हो रहे, 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे, और दैट इज वाई इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, होना कितने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, बट 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, दिस इज वाई दिस काइंड ऑफ हाइड्राइड इज नॉन एज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड में आते हैं, और जैसे सिंपल सा एग्जांपल है मीथेन, दिस मीथेन आर कंसीडर इन इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड। कैसे, आप सिंपली देखो कार्बन के सराउंड में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं टोटल इलेक्ट्रॉन ये कितने हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं,
जो कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन्स ठीक। तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज न्यूट्रल हाइड्राइड, हम लोग न्यूट्रल तो नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। ना इलेक्ट्रॉन की चाहिए जरूरत है ना इलेक्ट्रॉन ये चाहिए उसको, ना इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। नेक्स्ट वन आता है फिर इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड में जो ग्रुप नंबर 15 है, ग्रुप नंबर 15 आता है नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक ठीक है। ये वाले जो ग्रुप नंबर 15 के जो हाइड्राइड बनेंगे, जैसे हम लोग बात करें नाइट्रोजन के हाइड्राइड क्या है अमोनिया, तो ये जो हाइड्राइड है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कहा जाता है। कैसे? बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंट्रल एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के चलते ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और इतने क्या है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। फास्फोरस भी इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बिकॉज दे कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन भी आ गया उसके अंदर, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो हमको इसको हम लोग इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। फ्लो एच एफ भी आ गया, एच एफ में भी फ्लोरिन होता है, फ्लोरिन ऑल्सो हैज थ्री लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑल्सो नॉन एज अ डोनर आइटम इज देयर, डोनर इलेक्ट्रॉन आइटम आर देयर, दैट इज वाई इज नॉन एज अ इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है मेटालिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक हाइड्राइड और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। नॉन स्टोकियोमेट्रिक मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग हाइड्राइड देखते हैं ना, जैसे सोडियम हाइड्राइड ठीक है, हम लोग बात करते हैं लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम बी हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, MgH2, कैल्शियम हाइड्राइड। तो ये सब हाइड्राइड क्या एक स्टोकियोमेट्रिक नंबर में, मतलब वन क्या हो जाएगा मेटल, तो दो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है वन क्या है मेटल, तो वन क्या है हाइड्रोजन, तो ये स्टोकियोमेट्रिक फॉलो कर रहा है। लेकिन कुछ हाइड्राइड ऐसे होते हैं मेटालिक हाइड्राइड जो स्टोकियोमेट्रिक फॉलो नहीं करते, मीन्स वहाँ पे मैटर के साथ तो इतनी खास कोई बॉन्डिंग तो नहीं होती, इंट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन जैसे अब हम लोग कोई एग्जाम्पल लें कि कोई लेंथनम इस तरह का मेटल है, सिर्फ लेंथनम मेटल है ठीक है, तो सिर्फ लेंथनम मेटल का अगर कोई लेटिस है, उस लेटिस के अंदर क्या होंगे होल्स होंगे, उस लेटिस के अंदर स्पेस होगा, उस स्पेस के अंदर हाइड्रोजन जाके बैठ जाएगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन जाके सेट हो जाएगा, और उसका जो सेट होना है वो पर्टिकुलर स्टोकियोमेट्रिक फॉलो नहीं करेगा। जितने मेटल है उतने हिसाब से हाइड्रोजन देखा जाए तो उस तरह से कुछ फॉलो नहीं करेगा। दैट इज यहाँ पे क्या होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्रिएट होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है लेंथनम के बाद दिया लेंथनम, जैसे हमने फिलहाल एग्जांपल लिया लेंथनम 2.87, यानी क्या जितने मेटल से एक ये जो एक मेटल का जो स्ट्रक्चर है या फिर मेटल का जो फॉर्म है सॉलिड फॉर्म, उसके अंदर कितने मेटल के कंपैरिजन में हाइड्रोजन कितने 2.87 मतलब मेटल से ज़्यादा 2.87, तो परसेंटेज वाइज निकाला जाता है। तो इट्स नॉट स्टोकियोमेट्री क्योंकि वहाँ पे जो हाइड्रोजन है एक जालीनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है मैटर मैटर के बीच, और उनके जो पोर्स बनते हैं उस पोर के बीच जाके हाइड्रोजन बैठ जाता है। तो यहाँ पे सपोज दो बैठ गए, यानी एक मेटल के कंपैरिजन में हाइड्रोजन कितने 2.87 ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ जिस तरह की जाली बन जाती है मेटल के स्ट्रक्चर के अंदर, और उस स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन जाके फिक्स हो जाते हैं। तो दैट इज़ वाई ये क्या होता है हर मेटल के लिए वेरिएशन शो करता है कि किस मेटल के स्टेरिक स्ट्रक्चर, किस मेटल के लेटिस स्ट्रक्चर में कितने हाइड्रोजन जा सकते हैं। तो इस डिपेंड करता है मेटल के ऊपर, जैसे हाइड्रोजन के लिए लेंथनम के लिए क्लियर है, बाद में वाई बी के लिए देखो वाई बी एस टू के लिए दे रखा है 2.55, बाद में देखा है टी आई के लिए दे रखा है टी आई एच 1.52 1.8, जिरकोनियम के लिए दे रखा है 1.32 1.75, वी एच के लिए दे रखा है 0.56,
बाद में देखा एन आई निकल के लिए दे रखा है, निकल के लिए 0.6 टू 0.7, पैरिडियम के लिए दे रखा है 0.6 0.8, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, मेटल के स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन फिक्स होता है क्वांटिटी में, सो दिस नॉन एज अ मेटल मेटालिक हाइड्राइड बट अ नॉन स्टोकियोमेट्रिक मेटालिक हाइड्राइड। जैसे देखो ये जो मेटालिक हाइड्राइड है, ये मेटालिक हाइड्राइड जनरली यूज होते हैं एज ए कैटालिस्ट। जैसे हमको किसी रिएक्शन को क्या करना है, हाइड्रोजनेशन करना है, तो हाइड्रोजन हमको पता है हाइड्रोजन क्या होता है, थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, तो ये जो मेटल हाइड्राइड होते हैं क्या होता है, हाइड्रोजन को पकड़ के रखते हैं और एक स्टोरेज फॉर्म जैसा होगा। इंटरस्टेल जो स्पेस है, दो मेटल के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस स्टोर होगी, तो एज अ स्टोरेज के एक हाइड्रोजन गैस का स्टोरेज के फॉर्म में काम करता है। और जहाँ पे रिएक्शन करा नहीं, उसके अंदर आप क्या कर दो, पैरिडियम हाइड्रोजन ऐड कर दो, वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन चला जाएगा। मतलब जो भी मेटल हाइड्राइड है इस तरह के, उनको थोड़ी सी हीट दे दो, उस मेटल के अंदर जितने भी हाइड्राइड है वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे और रिएक्शन के अंदर चले जाएंगे। तो बहुत सारे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंदर पैलेडियम यूज किया जाता है, पैलेडियम मेटल यूज किया जाता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाटर, यानी हमको पता है H2O, ठीक है। देखो भाई, वाटर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्राइड ऑफ ऑन आवर अर्थ। हम लोग जानते हैं कि जितना भी अर्थ पे क्या है, ओशियन जितना भी है, पूरा ओशियन किससे भरा है, वाटर से भरा हुआ है। तो और हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में 65% वाटर होता है। एंड जैसे हम लोग कुछ प्लांट्स वगैरह होते हैं, प्लांट्स में जनरली मैक्सिमम 95% तो क्या होता है, वाटर ही होता है। तो वाटर के बिना हमारी बॉडी प्रोसेस भी वाटर पे चल रही है, हमारी अर्थ भी वाटर के चलते रन हो रही है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे किससे डिपेंड कर रहे हैं, वाटर पे डिपेंड कर रहे हैं। अभी ये वाटर तो हमको क्लियर है, दिस इज द वाटर, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा वाटर होता है ओशियन में, 97.33% जो वाटर है, मैक्सिमम वाटर इज इन द ओशियन में, ओशियन में सबसे ज़्यादा वाटर रहेगा। उसके बाद जो आता है 2.04% वाटर का होगा ग्लेशियर्स में होगा, जितने भी पहाड़ बने, बर्फ के पहाड़ जो पोलर्स में है, साउथ नॉर्थ पोल में, उसमें जितना आइस है वो आइस में सिर्फ 2.04% ही वाटर है ओशन के कंपेरिजन में। बाकी हम लोग देखेंगे नदियों में सबसे ज़्यादा कम वाटर जो होता है नदियों में होता है, रिवर्स में। रिवर्स एक ऐसा फॉर्म है, वाटर फॉर्म, मतलब रिवर्स के अंदर ऐसा वाटर फॉर्म होता है, ऐसा वाटर होता है जो हम लोग पी सकते हैं, पीने लायक पानी। एक तो पीने लायक पानी होता है, एक होता है ग्राउंड वाटर, एक होता है रिवर वाटर। रिवर वाटर इज द बेस्ट वाटर टू ड्रिंक, और रिवर वाटर सबसे ज़्यादा कम है परसेंट वाइज देखो तो 0.0001% रिवर वाटर ऑन द अर्थ है। बाद में लेक्स में भी वाटर है, सोइल मॉइस्चर में भी 0.05% वाटर। तो आप एक टेबल देख लेना आप, किस में कितना परसेंट ओशन, मतलब अर्थ के अंदर कहाँ कितना परसेंट वाटर है, यानी क्या स्टोर है। सबसे अच्छी बात तो होती है एक हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर देखते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, देखो जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन पे आता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे आता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। दैट इज वाई इसका डाइपोल मोमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। और यहाँ पे होता है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच होता है हाइड्रोजन फॉर्मेशन, ये भी आपको पता है, बिकॉज डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव के चलते यहाँ पे क्या होता है, एक इंट्रैक्शन बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, मॉलिक्यूलर मास तो पता है 18 हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हमको पता है 0°C 273 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट पता है कितना है 373 केल्विन,
ठीक है। इसका कंपेरिजन किया किसके साथ किया, वाटर और दूसरा क्या है हैवी वाटर। हैवी वाटर में क्या आता है D2O, यानी हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, उसके ड्यूटेरियम आइसोटोप के फॉर्म में, ये क्या है D2O। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -285 से कितनी होती है -294। एंथैल्पी ऑफ परेज इसकी होती 40.66, इसकी होती 41.61। डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कंसिडर की जाती 1। ये कंसिडर किया मतलब वाटर की डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अदर लिक्विड या चीज़ों की डेंसिटी फिक्स की गई, तो वाटर की कितनी 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्स्टेंट कितना है 78.39। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी तो है ही वाटर की, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा कुछ खास है ही नहीं वाटर की, लेकिन वाटर के अंदर सॉल्ट कर ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जिसकी है 5.78 × 10⁻¹⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब बहुत बहुत कम है। और ये जो सारी प्रॉपर्टीज, दिस प्रॉपर्टीज ऑन द डेंसिटी जो है, ये रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी है 1.000 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, यानी रूम टेम्परेचर पे, तो प्रॉपर्टीज बस ये याद रखना। तो इसके कुछ इस तरह के प्रॉपर्टीज के चलते इसका वेपराइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, वेपराइजेशन इसका क्या इजीली वेपराइज नहीं होता, राइट। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट इसके अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर में देखना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, बैंड स्ट्रक्चर होता है, यहां पे हो जाएगा ऑक्सीजन के लोन पेयर। ये स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी। ये क्या हुआ 104.5 डिग्री एंगल हो गया ये, ठीक है। और ये जो बॉन्ड लेंथ है 95.7 पिकोमीटर। तो इस तरह से वाटर का स्ट्रक्चर होता है, बैंड स्ट्रक्चर जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं, ये लोन पेयर होता है और स्ट्रक्चर कैसा होता है टेट्राहेड्रल। अगर ये प्लेन में, अगर ये प्लेन में अलाइन कर रहा है हाइड्रोजन, तो ये कहाँ होंगे, एक इस साइड होगा और एक दूसरा लोन पेयर कहाँ होगा, बोर्ड के उस साइड होगा, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर है, बाद में आपको पता है डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, दैट्स ऑल क्लियर। नाउ ऑर्बिटल के बारे में आपको क्लियर है, यहाँ पे वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है भी आपको पता है, वाटर इन विंटर सीजन फॉर्म सरफेस। वाटर की खासियत है, जब स्ट्रक्चर ऑफ आइस का हम लोग और डिटेल में देखेंगे, वाटर का क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है, आइस। आइस इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर। और इसकी खासियत ये है कि जब ये एक लेवल पे, एक बहुत बहुत हम लोग देखेंगे, आइस जो होता है ये हेक्सागोनली, ये किस फॉर्म होता है, हेक्सागोनली क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है। अगर बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर करते हैं हम लोग, कम मतलब ये हेक्सागोनल होता है तब 180 प्रेशर पे होता है, हेक्सागोनल होता है 180 प्रेशर पे। अगर हम लोग प्रेशर ज़्यादा करते हैं, 180 से ज़्यादा अगर प्रेशर होगा तो ये क्यूबिक फॉर्म में बन जाता है। देयरफॉर आइस, ये क्या होता है क्यूबिक फॉर्म में, ये जो स्ट्रक्चर होता है आइस का, ये क्यूबिक फॉर्म क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करता है जब प्रेशर क्या हो ज़्यादा, और 180 हो तो कैसा शो करेगा, हेक्सागोनली क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करेगा। आइस इज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। और इसमें देखो, जैसे हम लोग बात करते हैं आइस की खासियत क्या है, ये जो वाटर की खासियत क्या है, जब जितने भी ग्लेशियल में जितने भी रिवर्स है या फिर ओशियंस है, जब टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि जो सरफेस है, जो ओशन के सरफेस या फिर रिवर के सरफेस क्या हो जाती है, उस रिवर के सरफेस से आइस का जमना स्टार्ट होता है। आइस फ्लो मतलब वाटर का क्या हो जाता है, वाटर फ्लो हो जाती, कन्वर्ट हो जाती है आइस में। तो सरफेस का जितना भी एरिया है आइस बन जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अभी सरफेस का जितने भी ओशन का सरफेस कंसिडर कर लो, अभी रिवर का सरफेस पोलर जगह पे, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया, सरफेस क्या हो जाएगा, आइस से ढक जाएगा, पूरा आइस से रिवर या ओशन का स्ट्रक्चर सरफेस ढक जाएगा। और सरफेस ढकने के चलते जिस आइस के नीचे वाला जो वाटर है उसका टेम्परेचर होता है ज़्यादा, यानी अगर मतलब क्या कर रहा है, जो आइस है वो आइस क्या कर रहा है, नीचे वाले वाटर को फ्रोज नहीं होने दे रहा, ऊपर लेयर बन की, दैट्स क्लियर। नीचे वाटर क्या रहेगा, उसका टेम्परेचर नियर अबाउट मेंटेन रहेगा, जिस मेंटेन टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ दैट मेंटेन टेम्परेचर ओशन के अंदर जो भी रह रहे, जो भी जीव रह रहे, जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहे, वो क्या होते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो एक बहुत इकोलॉजिकल इसका
बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है आइस का। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइस। देखो स्ट्रक्चर अब इस तरह का होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हाइड्रोजन अटैच होता है दूसरे हाइड्रोजन के साथ, सॉरी हाइड्रोजन अटैच होता है ऑक्सीजन के साथ। अगर हम लोग देखने जाए तो एक मॉलिक्यूल जो है वाटर का, एक मॉलिक्यूल वाटर का एक मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अगर हम लोग क्या करें, सिर्फ सेंटर वाला जो मॉलिक्यूल उसको कंसीडर कर लो आप, सेंटर वाला मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है देख लो। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये बन गया, ये दो, ये तीन, ये चार, तो एक मॉलिक्यूल टोटल चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यानी एक ऑक्सीजन चार हाइड्रोजन से, एक ऑक्सीजन चार ऑक्सीजन के साथ कंपेरिजन में, चार ऑक्सीजन कंपेरिजन में क्या है, घिरा हुआ है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आइस। और आइस के इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के चलते ये जो वाटर जो होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रेंडमली परफेक्टली अरेंज होते हैं। परफेक्टली अरेंज होने के चलते मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है, एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और ये स्पेस क्रिएट होने के चलते इसकी जो डेंसिटी है, आइस की जो डेंसिटी है, आइस की डेंसिटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छी तरह से क्रिस्टल अरेंज हो चुके हैं, यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो चुका है, यानी वॉल्यूम बढ़ चुका है एज कम्पेयर टू मास, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो जो जितने भी आइस बन गया तो आइस में स्पेस आ चुका है, वॉल्यूम बढ़ चुका है, दैट इज उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर, आइस की डेंसिटी कम हो जाती है। इसीलिए जो आइस सॉलिड होने के चलते भी वाटर पे क्या करता है, फ्लोट करता है। तो जितने भी जो आइस है ग्लेशियर में भी देखो, कितने बड़े बड़े ग्लेशियर वाटर पे फ्लोट करते हैं, नीचे तो पानी होगा लेकिन वो बिल्कुल इत्मीनान से वो ग्लेशियर्स खड़े हैं पानी के अंदर, बिकॉज ऑफ दे हैव लेस डेंसिटी देन दैट वाटर। और सबसे अच्छी बात, जो ग्लेशियर में जो आइस, ग्लेशियर की जो आइस होती है, ग्लेशियर के आइस का जो पानी होता है सबसे प्योर पानी वो ये होता है, मिनरल से भरा हुआ कंसिडर कर सकते हैं, नहीं प्योर फॉर्म तो आइस का, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर ग्लेशियर्स का वाटर सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्योर होता है, मिनरल से भरा हुआ रहता है। तो ग्लेशियर वाटर आपको पीने मिला तो बड़ी अच्छी किस्मत रहेगी। सो नेक्स्ट चलते हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आइस में, तो इतना ही देखेंगे और क्या है। नेक्स्ट आ रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर मतलब क्या, वाटर जो है ये हुआ अमोनिया। देखो अमोनिया इज अ बेस, अमोनिया इज अ बेस, बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है वाटर। इस यहाँ पे देखेंगे इसके इसके चलते जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या बनेगा, यहाँ पे रिएक्शन होकर प्रोडक्ट बनेगा NH4OH। ये जो प्रोडक्ट बना है NH4OH, ठीक है। यहाँ पे आप कंसीडर, यहाँ पे आप देखना जो वाटर है, वाटर ने यहाँ पे क्या किया, किसका रिएक्शन करे, बेस के साथ। तो वाटर किस तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे वाटर बिहेव कर रहा है एसिड के साथ, एसिड जैसा बिहेव कर रहा है। कैसे, दूसरा कैसे भी हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, किसने क्या कर दिया अपना H+ डोनेट कर दिया, H+ डोनेट करके क्या बनाए NH4+ OH-, ठीक है। तो वाटर ने क्या किया, अपना H+ डोनेट किया, H+ जो डोनेट करता है इट्स नॉन एज एसिड, जो प्रोटोन डोन करता है वो क्या होता है एसिड, ब्रोंस्टेड लोरी के हिसाब से। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर किस तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है, एसिड की तरह बिहेव करना और बेस की तरह, दोनों की तरह बिहेव करना, इट्स नॉन एज एम्फोटेरिक। अब बात करते हैं एसिड जैसा तो बिहेव कर लिया, अभी बेस के साथ, बेस जैसा बिहेव कब करेगा, जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। अब H2O क्या है वाटर हमारा, ये क्या है H2S, H2S इज अ एसिड, और यहाँ पे बिहेव करने वाला बेस की तरह। भाई कैसे बेस की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H3O+, यानी क्या किया इसने, यहाँ से उसने क्या किया, प्रोटोन एक्सेप्ट किया, कहाँ से, H2S से, H2S से क्या किया उसने, प्रोटोन एक्सेप्ट किया, फिर प्रोटोन एक्सेप्ट नॉन एज अ बेस। तो यहाँ पे क्या किया वाटर ने, प्रोटोन एक्सेप्ट किया, सो दैट इज़ वाई
हियर ही बिहेव एज अ बेस, राइट। तो एसिड एंड बेस की तरह दोनों तरह बिहेव कर रहा है, इट्स नॉन एज अ एम्फोटेरिक नेचर। ये क्या कर रहा है, एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है वाटर। और खुद के साथ भी आयनाइज होता है वाटर, खुद के साथ भी क्या होता है, आयनाइज होता है H2O, इन दो H2 में से क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा H3O+ बनेगा, और क्या बन जाएगा, दूसरा बनेगा OH-। इनमें से कोई एक क्या कर देगा, H+ दे देगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा OH-, और ये क्या करें, H+ ले लिया तो क्या बन गया, H3+। तो ये रिएक्शन क्या होती है, होती रहती है। तो हम लोग इसको रिवर्सिबल रिएक्शन के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, ये सारे रिएक्शन क्या दिखा सकते हैं, रिवर्सिबल फॉर्म में दिखा सकते हैं, राइट। क्योंकि क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ पे जा सकती है, वहाँ से यहाँ पे भी जा सकती है, बस हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजना है, तो उसके लिए कुछ हमको एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, राइट। तो नेक्स्ट एक रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर। देखो रेडॉक्स रिएक्शन है वाटर की, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, रेडॉक्स मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ पे देखो, दिस इज द, यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, H2 की सोडियम के साथ रिएक्शन दे रखी है, H2 की रिएक्शन सोडियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ, तब क्या बनता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, H2 गैस रिलीज होती है, और ये क्या बन जाता है, NaOH, ठीक है, ये क्या बन जाता है, NaOH। तो यहाँ पे वाटर का क्या हो रहा है, वाटर में से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, सिंपली क्या करते हैं हम लोग, सिंपल वाला कंसेप्ट लगा देते हैं, H2O ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, वाटर क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन, राइट। और सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन, ये क्या हो जाएगी कंबाइन, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरी एक रिएक्शन है बहुत ही फेमस, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में देखो क्या होता है, CO2 प्लांट्स CO2 लेते हैं, और साथ में प्लांट्स के प्लस क्या होता है, ग्राउंड में से क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, और ये बनाते हैं ग्लूकोज बना देते हैं अपना, C6H12O6 बनाएंगे, और साथ में बनाएंगे 6H2O, और बनाएंगे हमारे लिए ऑक्सीजन, ठीक है। ये किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में, ये भी ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा, या फिर एक्वस फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो CO2 एब्जॉर्ब करती है प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, H2 के प्रेजेंस में क्या करेगी प्लांट्स, CO2 एब्जॉर्ब करेगी, वाटर लेंगी, उससे बनाएंगी क्या, ये बनाएंगे ग्लूकोज, बनाएंगी वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे देखना 12 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने होते हैं वाटर के, 12 वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं, और 12 वाटर मॉलिक्यूल्स के चलते यहाँ पे जो ऑक्सीजन बन रही है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन बन रही है कहाँ से आ रही है, वो आ रही है वाटर में से आ रही है, ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, वाटर में से आ रही है। तो इस तरह से वाटर का क्या हो जाता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन में। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन क्रिएट होगी, और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर अस, बिकॉज फोटोसिंथेसिस हो रही है तभी हम लोग खाना खा पा रहे हैं, तभी हम लोग प्लांट्स या खेती वगैरह कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स। और हमको क्या मिल रही है, हम लोग को मिल रही है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट गैस ऑक्सीजन। तो दिस इज अ वेरी फेमस रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट है विद द फ्लोरीन, वाटर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, सिंपली क्या बनेगा, बनाएगा HF बनाएगा, ठीक है, क्या बनेगा HF, उसके साथ रिलीज होगी ऑक्सीजन गैस। हाइड्रो H2 क्या करेगा, H2 के साथ रिएक्शन करेगा फ्लोरीन, तो क्या बनेगा HF बनेगा, HF एसिड बन जाएगा, और क्या हो जाएगी ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो दिस इज द, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग को ऑक्सीजन बनानी है लेबोरेटरी में, तो दिस इज अ गुड रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन मतलब जिसको ऐसे कंपाउंड जो क्या होते हैं वाटर में ऐड करते क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, या तो फिर उनका फॉर्म चेंज होकर, उनका क्या हो जाता है, फॉर्म चेंज हो जाता है, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाटर में क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, उनका कंपाउंड स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, और वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल। तो उसका एक एग्जांपल है फॉस्फरस ऑक्साइड P4O10, इसकी रिएक्शन हो गई H2 में, बैलेंस नहीं कर रहा रिएक्शन, यहाँ पे बैलेंस दे रखी है, इससे बनता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, बैलेंस कर देते हैं 6H2O, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन मतलब कंपाउंड के अंदर क्या जा रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, कंपाउंड के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स जाना इज नॉन एज अ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जाने के बाद ये कंपाउंड कैसे बन गया, H3PO4 बन गया।
और एक हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है SiCl4 की, SiCl4H2O। तो जो सिलिकॉन है, SiCl4 का जो सिलिकॉन है वो क्या करेगा, SiO2 बनाएगा, और यहाँ के जो HCl है वो क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। तो इसको आप डबल कर दो, ये क्या बन जाएंगे, 4HCl क्या बन जाएंगे, 4 हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, और कोई हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन भी है, हाँ एक हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ये भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे नाइट्राइड होता है, हम लोग लिथियम नाइट्राइड लेते हैं, ठीक है, दिस इज लिथियम नाइट्राइड रिएक्ट विथ वाटर, और क्या बनाएगा ये, यहाँ से बन जाएगा अमोनिया, और ये क्या बन जाएगा, LiOH बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 3LiOH। बैलेंस आप कर लेना बाद में, सिंपल ही है, बैलेंस क्या कितने कर, 3, अरे 3 लगा दो, हो गया बैलेंस, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ क्या हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन वाटर शो करता है, लिथियम नाइट्राइड H2 अमोनिया बनेगा, और क्या बन जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बेस बनेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, आप पर्टिकुलरली बुक में देख लेना। फिर नेक्स्ट है हाइड्रेट फॉर्मेशन, हाइड्रेट फॉर्मेशन देखो कि जैसे कोई मेटल सॉल्ट होता है, मेटल सॉल्ट को हम लोग वाटर के अंदर ऐड करते हैं, जैसे बात करते हैं हम लोग क्रोमियम, और क्रोमियम का कोई सॉल्ट है क्रोमियम Cl3, चलो इसको कंसीडर कर लेते हैं, क्रोमियम का सॉल्ट है, उसको हम लोग वाटर में अगर ऐड करते तो क्या बन जाता है, ये CrH2O6Cl3, ये बन जाता है, क्या बन गया, ये हाइड्रेट फॉर्म ऑफ क्रोमियम। ये क्या करता है, क्रोमियम के साथ वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। दिस इज वी कैन कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट फॉर्मेशन। तो इस तरह से क्या बनता है, हाइड्रेट फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, मेटल सॉल्ट। बाद में आता है इंटरस्टिशियल, एक तो कोऑर्डिनेट वाटर आ गया, ये कंसीडर हो गया, किसमें आया था क्रोमियम वाला, कोऑर्डिनेट वाटर। फिर इसका आता है इंटरस्टियल वाटर, इंटरस्टियल वाटर मतलब जो बेरियम Cl2 होते हैं, बेरियम Cl2 का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, बेरियम Cl2 का क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसके लेटेस्ट स्ट्रक्चर के अंदर कुछ स्पेस होगा, उस स्पेस के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बेरिलियम है, और आप खाली इसको नहीं क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझे, एक पर्टिकुलर लेटेस्ट स्ट्रक्चर होगा, लेटेस्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, जैसे भी स्पेस मिलेगा वाटर का मॉलिक्यूल वहाँ पे क्या आ जाके सेट हो जाएगा। तो एक बेरियम, एक BaCl2 के लेटेस्ट में, एक BaCl2 मॉलिक्यूल के कंपेरिजन में दो वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अंदर जाके क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, लेटेस्ट स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो उसका एग्जाम्पल एक है इंटरस्टियल वाटर, इंटरस्टिशियल वाटर यानी अंदर की फॉर्म में वाटर का जमना। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डेड का वाटर का एक एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट 5H2O। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंपल देखो कॉपर सल्फेट है, इसका आप स्ट्रक्चर हम लोग प्रॉपर देखे तो हम लोग इसको नहीं क्या डबल इसको कंसीडर करो, डबल ये प्रॉपर अगर इसको ओपन करके लिखना है तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, कॉपर सल्फेट, यहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल होते हैं चार, कौन से कैसा बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, चार कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है ये, और यहाँ पे होता है सल्फेट .1H2O। ये पांच में से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के तरह जुड़ा होता है, कैसे जुड़ा होता है, जैसे देखो मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, ये कॉपर है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यहां पे मैं सल्फेट ड्रॉ कर देता हूं, सल्फेट यू नो अबाउट द सल्फेट SO4-, है ना, सल्फेट यू नो अबाउट द सल्फेट, सल्फेट सल्फेट, SO4-, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये सल्फेट है, ऐसे कंसीडर कर लो इसको,
यहाँ पे भी क्या है, सल्फेट मॉलिक्यूल इस तरह से ये हो गया सल्फेट नेगेटिव, ठीक है। ये कॉपर वाला ये हो जाएगा कोडिशन कंपाउंड। यहाँ पे जितने भी वाटर मॉलिक्यूल क्या बना रहे हैं, कोडिशन बॉन्ड बना रहे। कितने वाटर मॉलिक्यूल कोडिशन बॉन्ड बना रहे, यहाँ पे चार। सेम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कॉपर के लिए OH2। देखना यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये जो हो रहा है यहाँ पे बनेगा भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंटरेक्शन। यहाँ पे देखना इसके साथ क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसके साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये क्या, ये जो वाटर, एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल है, ये किससे जुड़ा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह जुड़ा है, ठीक है। ये क्या है, दो है, दो मॉलिक्यूल से, दो मॉलिक्यूल्स में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी एक मॉलिक्यूल के हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से शो कर सकते हैं कि वन कॉपर फाइव मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड एक क्या हो जाएगा सल्फेट, एक क्या हो जाएगा सल्फेट हो जाएगा, राइट, कॉपर सल्फेट, कॉपर डाइसल्फेट। 1 2 3 1 2 3 4 तो इस तरह का क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से शो हो जाएगी। तो इसके नेक्स्ट चलते हैं, अभी इसके नेक्स्ट जो अभी पॉइंट आ रहा है, दिस इज अ हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर इज एक थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन है, ये पोर्शन थियोरेटिकल है, ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल इसमें देखना नहीं है। सो ये जो पोर्शन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। दिस इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, राइट। सो दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू एंड द लेक्चर, इस लेक्चर